हम लोगों की जो पार्टी है, ये पार्टी गठित हुई है संघर्षशील शक्तियों के योगदान से, और संसदीय राजनीति में जो नहीं है उन लोगों ने संसदीय विकल्प बनाने की बात इसलिए कही क्योंकि जनता के जो मसले हैं वो कांग्रेस के ज़माने में भी जितना उठती थी वो नहीं उठ रही हैं। और हमारे पार्टी के पास अगर कोई मिशन है तो सबसे पहले यह है कि यहाँ 1 करोड़ रोजगार के अवसर जनरेट किए जा सकते हैं। 1 करोड़ रोजगार के अवसर को जनरेट करने के लिए यह एक पार्टी है। इसके साथ जो न्याय के मसले हैं वो हैं, वो बिहार में एक औद्योगिक वातावरण बनाना, आर्थिक वातावरण बनाना, बिहार के नदी जल संसाधनों का उपयोग करना और 1 करोड़ से कम रोजगार नहीं जनरेट हो, ये हमारा मिशन है। इसके लिए हमारी पार्टी है, इसके लिए हम काम करेंगे और गांधी मैदान में हम लोग अगले वर्ष जमा होंगे। अभी जिस तरह से यहाँ पर जो बिहार में आपको शराबबंदी है, इसको लेकर के क्या आप किस तरह का युवाओं के लिए आगे आए हैं, अभी शराबबंदी के पक्ष में या उसके विरोध में है? देखिए, शराबबंदी के पक्ष में है, महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है उसके पक्ष में है, ये सरकार का अच्छा काम है। और यह काम मैंने महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है, इसके साथ जरूरी है कि पूरा परिवेश जो है वो डेमोक्रेटिक और स्त्रियों के लायक और कमजोर वर्गों के लायक बने। और शराबबंदी के लिए है कि ड्रैकोनियन कानून तो बना दिए गए लेकिन इसको करने के लिए जिम्मेवारी दे दी गई पुलिस पर, और अभी पहले शासन का थी, अभी पुलिस ही शराब बेच रही है। तो शराबबंदी को लागू करने के संदर्भ में ये जरूरी है कि जो 3 लाख लोग इसके मुकदमे में फंसे हुए हैं उनमें से किसी तरह से शॉर्टिंग हो और वो लोग फंसे और जेल में जाएं जो बाहर हैं। जो लोग पूरा एक टैंकर स्पिरिट मंगाते हैं और पकड़े जाते हैं और किसी न किसी दल की पार्टी से चुनाव लड़ने लगते हैं। अच्छा, नीतीश जी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की जाएगी, क्या निगरानी हो सकती है हेलीकॉप्टर से? नहीं देखिए, ये तो सरकार कह, पहले तो उनका अरमान था हेलीकॉप्टर से घूमने का, अब अरमान है हेलीकॉप्टर से निगरानी करने का, इस पर तो बात नहीं कर सकते हैं। शुरू पहला दिन जो हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू हुआ तो कुछ उनके पकड़े गए, अब आगे पकड़े जाएंगे कि नहीं, ड्रोन से पकड़े जाएंगे कि नहीं। हम कह रहे हैं कि शराबबंदी के लिए जो सामान्य कानून है उसको इफेक्टिवली लागू करना और पुलिस प्रशासन शराब न बेचवाए, ये उनके हाथ की बात है, उसको तय करना सबसे पहली बात है। उनके अंदर ही प्रॉब्लम है कि पुलिस प्रशासन शराब का पैरेलल तंत्र चला रही है और इसलिए शराबबंदी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी बात है कि 3 लाख लोग उसमें जेल में हैं और वो 3 लाख जेल में नहीं है, 3 लाख लोगों पर मुकदमा है, उसमें ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको हम लोगों को इशू उठाना पड़ा था, जो शराबबंदी शराब चल रहा है बताने थाना में गए और थाना ही चूंकि ये धंधा कर रहा था पीछे से, इसलिए उन लोगों को बुक कर दिया गया शराब के केस में। आपकी पार्टी इस तरह का जो अपराध हो रहे हैं, जो इस तरह का आप शराब बेचवा रहे हैं, आपकी पार्टी अपनी ओर से किस तरह का कवायद करेगी? देखिए, हम आप कोई भी कह सकता है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी रुक जाएगा, हम कह सकते हैं कि रुक जाएगा। रुकने के लिए सरकार का तो नियम ही होता है कि बेईमानों को प्रोत्साहन दे, बेईमानों को हतोत्साहित करना और ईमानदार लोगों को प्रोत्साहित करना। तो ईमानदार जो शक्तियाँ हैं उनको कानूनन अगर बल प्रदान करेंगे तो अच्छा ही कर राज आएगा, उसमें शराबबंदी भी बंद होगी और अपराध भी बंद होगा।